इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेज़ी ज़ुबान। अंग्रेज़ी इंग्लिस्तान समेत दुनिया भर में बोली जाने वाली एक वसी ज़ुबान है जो मुतअद्दिद ममालिक में बुनियादी ज़ुबान के तौर पर बोली जाती है। दुनिया के कई ममालिक में सानवी या सरकारी ज़ुबान की हैसियत रखती है। अंग्रेज़ी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी और समझी जाने वाली ज़ुबान है, जबकि ये दुनिया भर में राबते की भी ज़ुबान समझी जाती है। माँ बोली ज़ुबान के तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी ज़ुबान चीनी है, जिसे 70 करोड़ अफराद बोलते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर इंग्लिश का आता है, जो अक्सर लोग सानवी या राबते के तौर पर बोलते हैं, जिनकी बदौलत दुनिया भर में अंग्रेज़ी बोलने वाले अफराद की तादाद 1 अरब से ज़्यादा हो गई है। दुनिया भर में तकरीबन 35 करोड़ 40 लाख अफराद की माँ बोली ज़ुबान अंग्रेज़ी है, जबकि सानवी ज़ुबान की हैसियत से अंग्रेज़ी बोलने वालों की तादाद 15 करोड़ से 1.5 अरब के दरमियान है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ज़ुबान आहिस्ता आहिस्ता वसत पकड़ रही है। अंग्रेज़ी मुआसला से तालीम, कारोबार, हवाबाजी, तफरीहात, सफारत कारी और इंटरनेट में सबसे मौजूं और बैनुल अक़वामी ज़ुबान है। ये 1945 में अक़वामे मुत्तहिदा के क़याम से अब तक की बाज़ाब्ता ज़ुबानों में से एक है। अंग्रेज़ी बुनियादी तौर पर मगरबी जर्मेनिक ज़ुबान है, जो कदीम इंग्लिश से बनी है। सल्तनत बरतानिया की सरहदों में तोसी के साथ साथ ये ज़बान भी इंग्लिस्तान से निकलकर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत दुनिया भर में फैलती चली गई, और आज बरतानिया या अमेरिका के साबक 9 आबादियों में से अक्सर ये सरकारी ज़बान ही है, जिनमें पाकिस्तान, घाना, भारत, नाइजेरिया, जनूबी अफ्रीका, कीनिया, युगंडा और फिलिपाइन भी शामिल हैं। सल्तनत बरतानिया की वसी सरहदों के बावजूद अंग्रेज़ी 20वीं सदी तक दुनिया में राबते की ज़ुबान नहीं थी, बल्कि इसे ये मकाम दूसरी जंग अजीम में अमेरिका की फतह और दुनिया भर में अमेरिकी सकाफत के फैलाव के ज़रिए हासिल हुआ। खसूसन ज़राए मुआसलात में तेज़ तरीन तरक्की ज़ुबान के फैलाव का बायस बनी। आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हर आने वाली नई अपडेट्स मिलती रहें।